अस्सलाम वालेकुम आंटी फैमिली, कैसे हैं हम लोग। उम्मीद है सब मज़े में होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चॉकलेट लवर्स के लिए बहुत ही मज़े की फजी ब्राउनी, और ये बहुत यमी और बहुत मज़े की बनी है। और इसका जो टेक्सचर है अंदर का और बाहर का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रंची सा था, और अंदर बहुत सॉफ्ट और बहुत फजी और चॉकलेटी फुल बहुत मज़े का था। ठीक है जी, और आप लोगों को रेसिपी 100% पसंद आएगी और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो जिनको चॉकलेट बहुत पसंद है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए वो मैंने बता दी हैं, और ये सब कुछ भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ। तो मेल्टेड बटर लिया है, ऑयल लिया है, डार्क चॉकलेट लिया है, कोको पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है, और अंडे लिए हैं जो रूम टेम्परेचर पे थे बिल्कुल, और शुगर ली है पिसी हुई। शुगर को, नॉर्मल शुगर को मैंने पीस लिया ग्राइंडर में, पिसी हुई चीनी ले ली। उसके बाद मैंने सब कुछ मिक्सिंग बाउल में डाल के मिक्स करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और लिक्विड डालना है, बस पैन में डालना है और बेक कर देना है। सो सिंपल एंड सो ईजी और बहुत मज़े की। ठीक है जी, तो ये मैंने क्या किया, मिक्सिंग बाउल में मैंने मेल्टेड बटर डाला है और चीनी डाल के मिक्स किया। दोनों को अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए, बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने ऑयल डाला है, अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ओके, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, कॉमेंट कीजिए कि कैसा लगता है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, और आप लोगों को देखना कैसा लगता है। थैंक यू। और चलिए, ये मैंने एक अंडे, अब जो रूम टेम्परेचर पैक्स थे वो मैंने तोड़ लिए और एक एक करके ऐड करते जाएंगे। एक एक करके ही ऐड करना है, चारों एक साथ ऐड करेंगे तो भी मिक्स हो जाते हैं, बट वो बात नहीं आती। तो एक एक करके ऐड करते जाएंगे। ये हमने मिक्स कर लिया, और ये जो केक और ब्राउनीज़ होते हैं ना, इनके स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, और मेजरमेंट बिल्कुल पक्की और अच्छी होनी चाहिए ताकि जो रिज़ल्ट आए वो बेस्ट आए जी। तो हमने ये मिक्स कर लिया। अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे, एक टेबलस्पून मैंने भर के डाला है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो इसमें हमें कोको पाउडर छान के डालना है ये सब कुछ। तो मैंने छन्नी ऊपर ही रख ली, उसमें ही मैंने फ्लोर डाल दिया, मैदा डाल दिया और नमक डाल दिया। अब हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह। इसमें लम्स बनते हैं काफ़ी एंड में, तो उन लम्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे और बस ये छान के जो ड्राई रहेगा वो उसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके आप लोगों को लगेगा ज़्यादा है, तो टेंशन मत दीजिएगा, अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। मिक्स करके ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट आएगा, बहुत थिक पेस्ट होगा। ठीक है, फिर हम मिल्क ऐड करेंगे। 1/3 कप मैंने मिल्क ऐड किया है, इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब दूध, थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाना है, तो ये ऐसा टेक्सचर आ जाएगा। बहुत मज़े का और बहुत ही यम्मी सा आया था। जो चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए तो ये लाइक हेवन है, बहुत मज़े का है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्रश्ड चॉकलेट ऐड कर दी। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें मैं जब तोड़ूं तो बिल्कुल चॉकलेट सा एक बहुत ज़्यादा अंदर अंदर चॉकलेटी हो, तो अगर आप लोग ये क्रश चॉकलेट ऐसी डालेंगे ना, मोटी मोटी डालेंगे, तो अच्छी सी उसकी अंदर जो है वो ज़्यादा चॉकलेट चॉकलेटी हो जाएगा। मैंने बिल्कुल इसको क्रश कर लिया था, तो इस वजह से ज़्यादा चॉकलेटी अंदर से नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि अंदर से ज़्यादा चॉकलेटी हो तो मोटी मोटी क्यूब्स चॉकलेट के डालिएगा। अब मैं बेकिंग ट्रे में मैं 5वां पेपर लगा रही हूँ, बटर पेपर लगा रही हूँ, इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। फिर इसमें हम वो मिक्सचर डाल देंगे, ब्राउनी मिक्सचर, इसको डाल के हम अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल इक्वल कर लेंगे जगह जगह से। मैं सेट कर दूँगी कॉर्नर्स पे भी बिल्कुल, ताकि हर जगह से इक्वली बेक हो जाए। ठीक है,
अच्छा, अगर आप लोग के पास ओवन नहीं है तो डजेंट मैटर, हम लोग क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे, उसमें स्टैंड रखेंगे, सिंपल स्टील का स्टैंड रखेंगे और ये बेकिंग ट्रे उसके ऊपर रख देंगे। और सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस हम जो पतीला होगा या भगोना जो भी आप लोग लें, पैन लें, कढ़ाई लें, कुछ भी लें, तो उसको प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट्स के लिए और हम उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको हम बेक कर लेंगे। सेम एज इट इज़ हम ये जो ट्रे है हम उस पतीले में रखेंगे और उसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से और 30 मिनट्स के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। प्री हीट करेंगे 10 मिनट्स के लिए और बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। अगर ओवन में रखेंगे तो मैं आगे ओवन का बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैंने ये टॉपिंग करी है चॉकलेट चिप्स की और पीनट बटर की। आप लोगों के पास अगर जो भी अवेलेबल हो या जो भी दिल चाहे करने का, चॉकलेट से रिलेटेड ही, क्योंकि ये फजी ब्राउनी है तो ऊपर भी टॉपिंग इसकी चॉकलेट से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो बहुत ही पीनट बटर का टेस्ट बहुत मज़े का आया था तो इसलिए मैंने वो ट्राई किया है। आप लोग चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, बट चॉकलेट से रिलेटेड थोड़ी सी वाइट चॉकलेट्स थी मेरे पास तो मैंने वो भी ऐड कर दी इसमें। इससे क्या होता है, अच्छा सा लुक और प्यारी सी प्रेजेंटेशन हो जाती है, वरना अंदर का ऊपर का तो टेक्सचर इसका क्रिस्पी आएगा ही और अंदर से सॉफ्ट एंड ओके। हम अब बेक करेंगे इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने बेक किया है 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये बेक हो गई है तो निकालिएगा, वरना 10 मिनट्स और कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ओवन नहीं है तो पतीले में कर लेंगे, मैंने पहले बता दिया है, उसमें 30 मिनट्स के लिए करेंगे, उसमें भी चेक कर लेंगे, अगर नहीं हुई होगी तो 10 मिनट्स और चूल्हे पर रख लेंगे, ठीक है जी। ये डन हो गया है, बेक हो गई है तकरीबन, तो मैं अब इसको निकाल लूँगी। बहुत ही यम्मी, बहुत मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आया है और अब मैं इसके साइड से एजेस कट कर लूँगी ताकि स्क्वायर स्क्वायर सा ब्राउनी का शेप आ जाए। साइड से कट कर लेंगे हम इसको और इक्वली स्क्वायर्स कट कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रंची सा उसका ऊपर का है और अंदर से बहुत सॉफ्ट लुक आया है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी और बहुत जल्दी से बन जाती है। तकरीबन मुझे 15-20 मिनट्स लगे थे मिक्सचर बनाने में, क्योंकि चीज़ें मुझे तो वीडियो बनानी थी तो सब सेट करके रखना पड़ा, बट आप लोगों को बहुत जल्दी से 15-20 मिनट्स में बन जाएगा ये। ये देखिए हमारा चॉकलेट और ब्राउनी बॉक्स रेडी है। ये देखिए अंदर से बहुत ही फजी और बहुत ही क्रिस्पी सा लुक आया है, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट था। ये देखिए ब्राउनी बॉक्स बनाया है मैंने, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बहुत फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, चॉकलेट लवर्स के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।